खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में माफियाती कहमत को लेकर लगातार एक्शन जारी है। रोज आए दिन एक एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच अतीक के गुर्गों की नई लिस्ट जारी हुई है। वो नई लिस्ट हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या कुछ पूरा मामला है वो बता देते हैं। दरअसल माफिया ब्रदर्स अतीक, इन दोनों ने प्रयागराज और आसपास के जिलों में आतंक का राज कायम कर रखा था। इनके गुर्गे एक इशारे पर किसी की भी दिन दहाड़े हत्या कर देते थे। उमेश पाल की हत्या में जांच कर रही यूपी एसटीएफ को अतीक गैंग के सभी सदस्यों के बारे में जानकारी मिली है, और अब ये लिस्ट हम आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहे हैं। इस लिस्ट में 121 अपराधियों के नाम दर्ज हैं। इन अपराधियों ने किसी न किसी तरह अतीक और अशरफ की मदद पहुंचाई है। यूपी एसटीएफ के अधिकारियों के अनुसार सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इन अपराधियों में से कुछ पर तो संगीन मामले भी दर्ज हैं, वहीं कुछ छोटे मोटे अपराधों में संलिप्त रहे हैं। यूपी एसटीएफ सभी अपराधियों की क्राइम कुंडली खंगाले में जुट गई है। बता दें अतीक के गैंग का नाम IS-227 है। जी हाँ, अतीक की मदद करने वाले अधिकतर लोग प्रयागराज से थे। धूमनगंज कैंट सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने माफिया ब्रदर्स को उनके अपराध में मदद की। हालांकि पुलिस की सूची में कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अतीक अशरफ के कई करीबी उमेश की हत्या वाले दिन से फरार हो गए। यूपी पुलिस की कई टीमें इनकी गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमेश को मारने वाले चार बदमाश अब इस दुनिया में नहीं है। इन चारों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। उमेश की हत्या करने वालों में अतीक का बेटा असद भी शामिल था। हाल ही में पुलिस ने असद का भी एनकाउंटर कर दिया। वहीं तीन बदमाश अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यूपी पुलिस बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही है। वहीं इस हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता का नाम भी सामने आया, लेकिन वो अभी भी पुलिस को चकमा देकर लगातार फरार है। अतीक और अशरफ की भी हत्या हो गई। तीन बदमाशों ने प्रयागराज में दोनों की हत्या कर दी, जिसका लाइव वीडियो आपने देखा। और अब जो नई लिस्ट जारी की गई है उससे ये कयास लगाया जा रहा है कि अब इनका सफाया होगा, क्योंकि यूपीएसटीएफ ने कहा है कि लगातार अब इन पर कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।